मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास, मैथ्स क्लास। हमने पिछली वीडियोस में अध्याय 3 तक का प्रश्नावलियों का सॉल्यूशन कर लिया था। प्रश्नावली 4 आपके वैदिक गणित की प्रश्नावली है, इसे हम बाद में हल करेंगे। प्रश्नावली 5 का आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। प्रश्नावली 5 है गुणनखंड व गुणज। बच्चों, गुणनखंड या गुणज क्या होता है? किसी संख्या का पहाड़ा, किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का गुणज कहलाता है। तो यह प्रश्नावली आपकी गुणनफल और गुणनखंड और गुणज से संबंधित प्रश्नावली है। तो गुणज किसे कहते हैं? किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे भी 11, 12, 13, 14, 15 आगे भी किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो गुणनखंड प्राप्त होता है वह उस संख्या का गुणज कहलाता है। तो गुणज किसे कहते हैं? किसी संख्या को एक दो तीन चार पांच आदि से गुणा करने पर जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं वे उस संख्या के गुणज कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। जैसे 2 के गुणज क्या होंगे, यानी 2 का पहाड़ा बोलो। 2 का गुणज सबसे पहला तो 2 ही होगा, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छह 12 और इस तरह ये 2 के गुणज होंगे। इसके बाद एक बात और लिख लेते हैं, प्रत्येक संख्या के गुणज में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। प्रत्येक संख्या के, जैसे हमने 2 के गुणज लिए 4, 6, 8, 10, 12, तो देखो 4 में भी 2 का पूरा भाग जाएगा, 6 में भी 2 का पूरा भाग जाएगा, 3 में 8 में भी 2 का पूरा भाग जाएगा। तो प्रत्येक संख्या के गुणज में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यह क्या है? गुणज कहलाता है। किसी संख्या को संख्या का पहाड़ा कहे, पहाड़े के बाद मतलब पहाड़ा हम जब लिखते हैं तब संख्या को किससे गुणा करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक के पहाड़े हम याद करते हैं भाई, 10 तक इंटू करते हैं संख्याओं को। तो इन संख्याओं को यदि 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करने पर जो गुणनखंड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उस संख्या का गुणज कहते हैं। और गुणनखंड क्या होता है? संख्या के वो हिस्से जिससे उसके टुकड़े हो सके वो उसका गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड भी हम समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, इसमें गुणनखंड मतलब कि गुणनफल प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होते हुए उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। चलिए अब प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई संख्याओं के 4-4 गुणज लिखिए। दी गई संख्याओं के 4-4 गुणज
संख्या देखिए, पहली संख्या है चार, दूसरी है सात, तीसरी है चौदह और चौथी है उन्नीस। चार, सात, चौदह और उन्नीस। अब इन संख्याओं के चार चार गुणज हमको लिखने हैं। कितने लिखने हैं? चार चार गुणज, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देखो गुणज क्या होता है? संख्या का पहाड़ा। चार का पहाड़ा बोले, पहली संख्या चार एकम चार, दूसरी चार दूनी आठ, तीसरी चार तीये बारह, चौथी चार चो सोलह और चार पंजे बीस। ये चार के प्रथम चार गुणज हो गए। इसी तरह सात और चौदह की आप लोग लिख लेना। उन्नीस का मैं लिखा देती हूँ, उन्नीस, उन्नीस का पहाड़ा बोले, उन्नीस एकम उन्नीस, उन्नीस दूनी अड़तीस, उन्नीस तिया सत्तावन, उन्नीस चौके अठहत्तर और उन्नीस पंजे पिचानवे, उन्नीस पंजे पिचानवे, उन्नीस एकम उन्नीस, उन्नीस दूनी अड़तीस, उन्नीस तीस सत्तावन, उन्नीस चौके छिहत्तर, उन्नीस पंजे पिचानवे। ये इन दोनों को आपको करना, इसी तरह सात का पहाड़ा लिखना है और इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगेगी। इसमें पहला है तीन, दूसरा है पांच, तीसरा है बारह और चौथा है पंद्रह। बारह पंद्रह, इसके आगे संख्याएं दे रखी है कुछ, पांच नौ तेरह अठारह, पांच नौ तेरह अठारह, दूसरी है पैतालीस ग्यारह दस बाईस, पैतालीस ग्यारह दस बाईस और पचपन, तीसरी है बारह छत्तीस बत्तीस, बारह छत्तीस बत्तीस अड़तालीस और अठारह, अड़तालीस अठारह, पंद्रह का हो गया पच्चीस, पैंतीस पंद्रह चालीस पैंतालीस, पंद्रह चालीस पैंतालीस। अब देखो यहाँ क्या कहा गया है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। इस संख्या का गुणज कौन सा है? तीन के गुणज क्या होते हैं? तीन का पहाड़े में जो जो संख्या आती है वो तीन के गुणज है। तो तीन के पहाड़े में पांच आता है क्या? नहीं आता, तो यह तीन का गुणज नहीं है। तीन के पहाड़े में नौ आता है क्या? नौ आता है, तो यह तीन का गुणज है, तो इस पे क्या करना है? गोला। तेरह आता है क्या? नहीं आता। सोलह अठारह आता है, तो आता है तीन छंग अठारह, तो ये दोनों तीन के गुणज है। पांच के पहाड़े में पैतालीस आता है, तो ये पांच का गुणज है। ग्यारह नहीं आता है, दस आता है तो दस गुणज है। बाईस नहीं आता है, पचपन आता है, तो पचपन इसका गुणज है। अब इसी तरह बारह के पहाड़े में जो जो आते हैं वो आपको करना है, पंद्रह के पहाड़े में जो आते हैं उस पर गोला लगाना है। ये दोनों नीचे के आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है, उन संख्याओं पर गोला बनाइए जब तीन और चार दोनों के गुणज हो। देखो उन संख्याओं पर गोला
बनाइए जो तीन व चार दोनों के गुणज हो। संख्या इसकी हमारी 6, 12, 15, 18, 24 और 30। अब देखिए सबसे पहले तीन के गुणज लिख लेते हैं। हल तीन के गुणज, हो गया 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 3 × 9 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 23, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 30, चार के गुणज देख लो। चार की गुणज 4 × 8 = 4, 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 8 = 40। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 6, 8, 9, 12, ये 12 दोनों में कॉमन है, 15, 16, 18, 20, 21, 24 दोनों में कॉमन है, 27, 28, 32, 36। अब कॉमन संख्या देखिए क्या है, एक तो 12 कॉमन है दोनों में, एक 24 कॉमन है दोनों में, और बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ देखिए 6 में 3 का भाग जाता है पर 4 का नहीं जाता है, 6 3 का गुणनखंड है पर 4 का नहीं है, 12 दोनों का है तो 3 और 4 के गुणनखंड पे गोला बनाना है तो पहली संख्या तो यही होगी आपके 12। 15 में 3 का जाता है पर 4 का नहीं जाता, 18 में 3 का जाएगा पर 4 का नहीं जाता है, 24 में 3 का भी जाता है 4 का भी जाता है, 30 में 3 का जाता है पर 4 का नहीं जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, 12 और 24। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर है, 10 व 30 के बीच आने वाले 7 गुणज लिखिए। 7 के गुणज लिखिए, 7 के पहाड़े में वो संख्याएं लिखनी है जो 10 और 30 के बीच में आती है। 7 का पहाड़ा बोलोगे तो 30 तक जो संख्या आती है वो आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर फाइव, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो। क्वेश्चन नंबर 5, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो। देखो 4 के गुणज लिखो, 4 का पाड़ा बोलते हैं, 4 × 4, 4 × 8, हमको 25 से ज्यादा वाले चाहिए, तो 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 24 तक तो हमको लिखना ही है, 25 से लिखना, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 3 गुणज लिखने हमको, कितने लिखने, 3, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36। ये आपका आंसर, बस 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो, ये 25 से बड़े 4 के 3 गुणज लिखे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, इन क्वेश्चंस को आप आपकी मैथ्स की कॉपी में हल करें। सभी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न आपको आपकी कॉपी में हल करने हैं। धन्यवाद।